यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे तो एकदम वीआईपी एरिया आप लोग को दिख रहा होगा। सामने के साइड में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अंदर के साइड में और चले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं। और इधर के साइड में भाई गेटवे ऑफ इंडिया है, और इधर ही सामने ताज होटल है, जो कि यहाँ से हम लोग जाएंगे उधर के साइड में, रोड के साइड में, और इन गलियों में से घुसते हुए हम लोग निकलेंगे बाहर, जो कि यहाँ से सैफ भाई चलेंगे आगे आगे। और बहुत ज़्यादा पतली पतली गली है भाई, देखो बैग वैग अपना टकरा रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं फिलहाल खड़ा हूँ कोलाबा में, और यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। देखो सामने के साइड में आप लोग को दिखेगा ना, वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाजू में यहाँ पे ताज होटल दिखेगा, और यहाँ पर बहुत सारी बोर्डें दिखेंगी। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर भाई मछुआरे रहते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना भाई, यहाँ पर सब के सब, यहाँ पर ज़्यादातर मछुआरे लोग रहते हैं, और ये पूरा झोपड़पट्टी एरिया है। तो यहाँ से मैं चलूँगा ऐसा चलते 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 पूरा वहाँ तक, मैं गेटवे ऑफ इंडिया तक चल के आप लोग दिखाऊँगा कि यहाँ पर किस तरीके की लाइफ है और लोग कैसे रहते हैं। और यहाँ पर जो भी इतने बोर्ड है ना भाई, ये लोग सुबह जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और एक दो घंटे में अपना पूरा मछली पकड़ के, और बहुत सारे लोग शाम को जाते हैं जो कि एक दो घंटे में मछली पकड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो सब कुछ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपने को यहाँ पर देखने मिलेगा इस झोपड़पट्टी में, और लोग कैसे रहते हैं। भाड़ा वगैरह यहाँ पर 6-7 हज़ार रहता है। बाकी यहाँ पर जो ये नज़ारा व्यू दिखता है ना यहाँ से, वो एक नंबर व्यू दिखता है। तो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं अपने को क्या कुछ देखने मिलेगा, सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक बने रहना। चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा, और पूरा यहाँ से ऐसा घूमते हुए हम लोग बाहर के साइड में जाएंगे। और यहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरीके का व्यू है यहाँ पर, तो वो आप लोगों ने देख लिया, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। और यहाँ से चलेंगे, और यहाँ पर ज़्यादातर भाई सीप वगैरह, जैसे छोटे मोटे बोर्ड रहते हैं, वो सब यहाँ पर रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक भाई रिपेयर भी कर रहे हैं, वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर ये रिपेयर यार्ड है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए छोटे मोटे जो नाव रहते हैं, बोर्ड रहते हैं, उनमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर वो लोग लाके भाई लोग रिपेयर करते हैं यहाँ पर। देखो, और इस तरीके से भाई यहाँ पे पूरे घर है, इस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, ये स्लम बस्ती है पूरा। यहाँ पर रेंट है 6,000-7,000 नॉर्मली। इसके पहले मैं यहाँ पर आया था तो थोड़ा सा इंक्वायरी निकाला था। बाकी देखो यहाँ पर मस्त वाला नज़ारा आप लोग को देखने मिलेगा ऐसे, देखो यहाँ पर पूरा एक नंबर लगता है भाई यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो। बाकी चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा, अभी यहाँ पे जो आगे के साइड में है ना, हम लोग गलियों में से होके निकलेंगे बाहर, और गली गली में आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके की पूरी यहाँ पर गली है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे उधर के साइड में, रोड के साइड में, और इन गलियों में से घुसते हुए हम लोग निकलेंगे बाहर, जो कि यहाँ से सैफ भाई चलेंगे आगे आगे। और बहुत ज़्यादा पतली पतली गली है भाई, देखो बैग वैग अपना टकरा रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ से चलेंगे। तो भाई लोग यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं भाई, इन गलियों में से बाहर निकलेंगे, और इस तरीके का पूरा रास्ता है, पर देखो पूरा अंधेरा है भाई, और थोड़ी मोड़ी लाइट यहाँ पर तो आ रही है धारावी से, तो ठीक ही है एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन देखते हैं ये रास्ता अपने को कहाँ पहुँचाता है। आ गए बाहर, रोड पे आ गए सर भाई। तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट, यहीं तो आ गए, यहीं तो हम लोग थे। तो देखो भाई, ये हम लोग मार्केट में पहुँच गए वहाँ से निकलते हुए, जो कि एकदम से ऐसा हुआ ना अचानक, मतलब मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहने और वहाँ से डायरेक्ट मार्केट में लैंड हुए। और अभी देखते हैं आगे चलते हैं, ये सब तो मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था, देखते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे होंगे तो एकदम वीआईपी एरिया आप लोग को दिख रहा होगा। सामने के साइड में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अंदर के साइड में और चले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, और इधर के साइड में भाई गेटवे ऑफ इंडिया है, और इधर ही सामने ताज होटल है, जो कि सबसे बड़ा होटल माना जाता है, सबसे ज़्यादा लग्जरियस होटल है यहाँ पर ये ताज होटल। और उसके जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और जस्ट यार इसके अपोजिट में देखेंगे तो यहाँ पर भाई इस तरीके की लाइफ है जहाँ पर भाई ये लोग रहते हैं। भाई कितना ज़्यादा यहाँ पर किनारे पे आप लोगों को कचरा देखने मिलेगा, और ये सब पूरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सब यहाँ पर मछुआरे रहते हैं, तो भाई इनकी एक अलग ही लाइफ है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ के बारे में, थोड़ा बताता हूँ कैसा क्या है पूरा। और यहाँ पर देखो, ये जितनी भी नाव है ना, वो सब इनकी है। और यहाँ पर क्या होता है ना, अभी जैसा आप लोगों ने इसके पहले वाला मेरा व्लॉग देखे होंगे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सस्ते में फ़िश वगैरह मिलता है। तो सस्ते में फ़िश देने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये लोग खुद ही अपने से ही यहाँ पर फ़िश पकड़ने जाते हैं, और खुद ही इनका जो दुकान रहता है, स्टॉल रहता है, वो इनका खुद का रहता है, तो फ्राई करते हैं और वहाँ पर सेल करते हैं, तो इनको यहाँ पर सस्ता हो जाता है। इसलिए सस्ता हो जाता है क्योंकि ये खुद यहाँ पर पकड़ते हैं।
और अगर ये यहाँ पर ख़रीद के लेके आएंगे तो भाई इनको महंगा पड़ेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर वो महंगे में सेल करेंगे। लेकिन इनको यहाँ पर खुद निकालते हैं और खुद सेल करते हैं तो सस्ता पड़ जाता है, इनको कुछ यहाँ पर लगाना नहीं पड़ता, जो है इनका मेहनत है। यहाँ पर देखो सामने के साइड में इस तरीके से, तो भाई मेहनत करते हैं और पकड़ते हैं तो सेल करते हैं, इसके लिए यहाँ पर सस्ता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि भाई जब यहाँ पर इतने सस्ते में 5 रुपये में 10 रुपये में मिल रहा है तो वो ख़राब होगा या फिर उसमें से स्मेल आती होगी या जैसा भी जो भी होगा आप लोग ऐसे सोचते होंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। जब ये लोग फिश पकड़ते हैं ना भाई तो एकदम फ्रेश लेके आते हैं। जैसे आप लोग जाएंगे सेसोन डेक मार्केट चले जाएंगे, वहाँ सब जाएंगे तो वहाँ पर कैसा रहता है ना, वो बड़ी बड़ी सिप लेके जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर पकड़ के वो अपने पास में फ्रीजर में स्टोर करके 7-8 दिन तक रखते हैं, उसके बाद में लाके वो मार्केट में सेल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेश नहीं रहता है जो मार्केट में मिलता है। बाकी इन लोगों का कैसा रहता है, ये लोग रोज़ जाते हैं, रोज़ पकड़ के लाते हैं और एकदम फ्रेश जिंदी मछली लेके आते हैं और वो वहाँ पर फ्राई करके सेल करते हैं 5 रुपये और 10 रुपये में। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आप लोग को देखने मिलेगी यहाँ पर। बाकी अभी मैं वहाँ पर था, अंदर के साइड में सब कुछ पूरा आप लोग को दिखाया, तो कैसा आप लोग को लगा वो सब कमेंट करके बताना। बाकी मैं यहाँ का थोड़ा सा आप लोग को सीन दिखाता हूँ। इधर कौन से घर में, ये वाले? इसमें कौन से फ्लोर पे, पहले दूसरे तीसरे थर्ड फ्लोर पे? अच्छा, तो ये भाई यहाँ पे इस बिल्डिंग में रहता है थर्ड फ्लोर पे। और यहाँ से जब ये कभी बारिश वारिश होता है तो ऐसा कभी देखे हो कि यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है? कितना पानी भर जाता है? तो ऐसा कभी मम्मी पापा मना नहीं करते हैं यहाँ नहीं जाना, रिक्स है गिर जाएगा? नहीं, कभी नहीं। नाम क्या है? सुभान। तो यहाँ पे सुभान भाई मिले, अच्छा लगा मिलके। बाकी ये सब देखो यहाँ पर किस तरीके का पूरा नज़ारा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अभी मैं इस वाले पूरे एरिया में था और यहाँ पर आप लोग को पूरा दिखाया कैसा पूरा यहाँ का सीन था, तो वो सब आप लोगों ने देखा। और मैं वहाँ से पूरा घूमते हुए गली गली में यहाँ पर आया हूँ। और इधर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर गेट ऑफ इंडिया है और इतनी सारी यहाँ पर मतलब छोटी छोटी बोर्ड है जिसमें लोग यहाँ के लोग मछुआरे जो है मछली वछली पकड़ते हैं और इधर ही जाते हैं सब। और अपने सैफ भाई यहाँ पे आराम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। तो क्या बोलते हैं सैफ भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा अपना पूरा? भाई अपना एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, जैसा कि मार्केट वगैरह देखा, जो हमने एक चीज़ यहाँ पे स्पेशली खोजा वो मच्छी वाली आंटी ने दी। 5 रुपये का फिश आज खाने का मूड पूरा बना हुआ था, आपका भी बना था? मेरा भी था और वही सोच के हम लोग यहाँ इतने दूर आए थे, लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा ट्राई करते रहेंगे, वो हम लोग ढूंढेंगे, जब तक नहीं मिलेगा यहाँ आते रहेंगे। बाकी अभी हम लोग चलेंगे यहाँ पे गेट ऑफ इंडिया की तरफ और यहाँ से पूरा चलते हुए आप लोग को दिखाऊंगा कैसा पूरा व्यू रहेगा। थोड़ा 5 मिनट यहाँ पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद में चलते हैं। बैठे बैठे बहुत आराम कर लिया, आप चलो थोड़ा सा काम करते हैं। और यहाँ से मैं अभी चल रहा हूँ गेट ऑफ इंडिया की तरफ, जो कि यहाँ से रास्ता है पूरा। और हम लोग आए भी यहीं से थे और जा भी यहीं से रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग आने वाला है गेट ऑफ इंडिया का, तो इसके लिए हम लोग बार बार वहाँ जा रहे हैं और घूम रहे हैं और आप लोग को सब कुछ दिखा रहे कि कैसा क्या रहेगा पूरा। और आप लोग भाई एंड तक बने रहना, ये वाला व्लॉग भी देखना, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, यहाँ पर अगर आप लोग को आना है, जैसा पीछे आप लोग देख लो, यहाँ पर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आने का रास्ता कैसा है। और यहाँ पर अगर आप लोग कभी बाहर से आते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पर रहने के लिए, हाँ से भाई होटल वगैरह है यहाँ पर अच्छे अच्छे? अरे भाई होटल करे, ताज होटल तो यहीं पे है। नहीं नहीं, वो तो बहुत ज्यादा महंगा हो गया ना, बहुत वीआईपी ये सब क्या दिख रहा है, ये सब होटल ये बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे, फॉरेनर ज्यादातर इधर ही आके स्टे भी करते हैं। मस्त समुंदर का व्यू मिलता है भाई, महंगा तो खैर रहेगा भाई का, लेकिन ठीक है भाई, ये बहुत ही वीआईपी एरिया है। वीआईपी एरिया है। और अगर आप लोगों को सस्ता और अच्छा होटल चाहिए ना, तो मस्जिद बंदर साइड में चले जाओ, मस्जिद बंदर, हाँ वहाँ सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए रहेगा, ये व्यू है मैन और यहाँ पे पॉइंट है ना घूमने का, मतलब वो है गेट ऑफ इंडिया अट्रैक्शन यहीं पे, हाँ इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे महंगा रहेगा। बाकी अगर अच्छा खासा मोटा पैसा लेके आते हो, ताज होटल में भी रह सकते हो, वहाँ पे अगर रहोगे तो आपको खाना फ्री मिलेगा, उन लोग के तरफ से घूमना फ्री मिलेगा, सब कुछ मतलब होटल वाले ही करेंगे, लेकिन वो आप लोग के लिए फ्री सिर्फ लोग बोलेंगे लेकिन रहेगा नहीं, सब वो काट लेंगे उसी में, रूम चार्ज में ही सब हो जाएगा उन लोग का। अगर समझ लो 1 लाख रुपये आप भाड़ा देते हो, तो अगर नॉर्मल कहीं होटल में रहोगे तो पूरा मुंबई घूम लोगे 1 लाख रुपए में। तो ये सब है। और वैसे आपकी मर्जी है, अगर आपको ताज होटल में रहना है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर नहीं रहना है तो उसके सामने बैठ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं आके। हम लोगों ने चाय पिए थे ताज होटल की, सैफ भाई ने पिए थे, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, और मैंने पिलाया था। 5 रुपए की चाय भाई, ताज होटल की चाय पियेंगे, पियेंगे एक टाइम आएगा, आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट रहेगा ना, चाय खरीद लेंगे, चाय हो जाएगा।
चाय खरीद लेंगे। चलते हैं अभी, देखते हैं गेट ऑफ इंडिया का क्या नज़ारा है। और थोड़ा शाम होने दो ना भाई, तो वहाँ का जो व्यू रहेगा ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा, तो वो सब देखना बनता है भाई। तो चलते हैं फटाफट। तो इसका नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना, उसमें मैं गेट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल व्लॉग लेके आने वाला हूँ, जो कि अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आया है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।